हमलावरों का जो आतंक है वो देखने मिला है जींद में। फिलहाल अफरा तफरी का माहौल है और ये लाइव तस्वीर फिलहाल तो हम जींद तक देखने लग रहे हो। फिलहाल हम सामान्य हॉस्पिटल जींद में पहुंचे हैं, जड़े हमलावर जो है फिलहाल हमलावर मौके पर फरार हैं और एम्बुलेंस में उस 17 साल के बच्चे को लेकर आया गया है और उसके जो परिवार वाले मौके पर मौजूद हैं, देख सको रो रो का बुरा हाल है। के बात बेरा पटिया जी, कौन थे हमलावर? हाँ जी, गुरुद्वारियों का लड़का है, टीटू है और है ये 10-15 घर है जी, जिन्होंने हमारे बच्चों का जीना दुब्बर कर रखा है। तो 17 साल के बच्चे के साथ किस तरह की रंजिश है? कुछ नहीं पता जी, वो तो अपने दादा को खाना खिला रहा था, खाना खिलाते ही वो घूमने निकला था थोड़ा सा, तभी उन्होंने वार कर दिया लड़के पे। तो फिलहाल कुछ भाई उड़ान है, उड़ान कुछ तस्वीर तो हम देख सको हो एक मिनट में। फिलहाल हालांकि जिसके ऊपर हमला हुआ है हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है, लाइट बंद करे। फिलहाल ये तस्वीर तो हम देख सको, ये पुलिस प्रशासन हालांकि मौके पर पहुंच गया है, लेकिन जो जिसके ऊपर हमला हुआ है उसके दोस्तों के जी मारद्वारा फोन आए तो उनका साफ तौर पर कहना है, जैसे डायल 112 पर भी फोन किया गया था, मदद मिली मौका। खाना खा के गए थे जी घूमने, बस रोड पे खड़े हुए थे, आपसी रंजिशी गंडासों के साथ बाहर हुआ जी। जिसने मेरे लड़के का चोट मारी है, पुलिस खुद लेके आई है उन्हें मौके पे पकड़ के, फिर भी कह रखे FIR लिखवाओ, उसके घर में से निकाला अंदर। और जिस लेडीज ने लुकोया उसे 1 घंटे तक अपने घर में उसने लुको के रखा, हम सब वहाँ खड़े इंतजार करते रहे भाई निकालो बाहर। उस लेडीज ने भी उसे भी उस पर भी कार्रवाई हो, उसकी लड़की है रेनु। अच्छा, हमलावरों की उम्र का अंदाजा है कुछ? जो हमलावर जो कितनी संख्या में थे? हाँ जी, भाई 5-6 जने थे जी। उनकी उम्र कितनी कितनी है? 21-22 साल के जी। तो अंदाजा लाश को भाई किस डाल के जो संस्कार हैं वह हम अपने बालकों से देने लग रहे हैं। भाई 16-17 साल का बच्चा के ऊपर हमला हुआ है और हमलावरों की जो उम्र है, किसी की 20 साल तो किसी की 21 साल उम्र है जी। हाँ जी, पहले किसी बात को लेकर क्या सुनी हुई है? पहले कोई नहीं हुई सर, अब इन्होंने गंडासी से मेरे बच्चे पे वार किया बस। तो हम देख सको भाई एक माँ की हालत फिलहाल किस तरह की है, सरकारी हॉस्पिटल जींद तक लाइव तस्वीर तो हम देखने लग रहे हो। हालांकि अंकुश है उसका नाम, अंशु का ट्रीटमेंट चल रहा है, फर्स्ट एड होने लग रही है, लेकिन माहौल तो हम देख सको किस तरह के आतंक का जो माहौल है उसकी तस्वीर तो हम देखने लग रहे हो। और पीड़ित परिवार का साफ तौर पर कहना है कि भाई अपराधी जो है उनको कितने संरक्षण दिया जा रहा है, उनको सुरक्षा दी गई? हाँ जी, तभी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई सर उन पर। मारने की धमकी दी है जी, सब बच्चों को मारने की धमकी दी है, अभी मारेंगे अकेले को। किस बात को लेकर इनका आपस में? किसी बात नहीं जी, खाना खा के बच्चे घूमने के लिए गए थे जी सड़क पे, इन्होंने पीछे से हमला बोला जी बच्चों के ऊपर, 5-6 बच्चों के ऊपर बोला है। कोई डंडा से मारा, कोई डंडे मारा, कोई ईंट बरसा रहा बच्चों पे, एकदम हमला। एक एक हमारे बच्चे है, इनके कुछ होगा बताओ जी। कौन सी जींद में कौन सी लोकेशन पे कहाँ रहते हो? जी हम भी वाली रोड पे। तो भाई फिलहाल तो हम देख सको हो ये तस्वीरें हैं जींद की, और हालांकि पुलिस प्रशासन की अगर मैं बात करूं तो फिलहाल मौके पर पहुंच रहे हैं और पीड़ित परिवार का साफ तौर पर कहना है कि भाई जो आरोपी हैं, जो अपराधी हैं, वो सरेआम घूम रहे हैं और उनको गिरफ्तार करने की अगर बात आवे तो फिलहाल हालांकि मामले की जाँच पुलिस प्रशासन करेगी। मौके पर कोई और अधिकारी मौजूद है जी? मौके पर फिलहाल आए कोई? हाँ जी, आप लोग इस मामले से जुड़े हो, जानकारी अब तक कुलबीर जी किस डाल की जानकारी अब तक मिली इस बारे में? अभी तो कुछ नहीं पता जी, अभी डॉक्टर साहब बताएंगे अभी तो कुछ। पेशेंट खतरे से बाहर है? खतरे से, मैं मिलकर भी आया था, खतरे से बाहर है। हाँ ठीक है। तो कुछ छर्रे वगैरह लगे हैं, कुछ चोट तो लग रही है? कुछ नहीं है, ठीक है अभी तो, बंदे ठीक है दोनों। पूरी जाँच पड़ताल करोगे जीप जाकर फिर पता करेंगे। चलो फिलहाल ये तस्वीर है भाई, अपने घर में लुकोया है, 1 घंटे तक उसने अपने घर में रखा, उसे उस पर कार्रवाई जरूर हो। लुकोया किसने? बिमला है, उसकी लड़की है रेनु, मैरिड है वो, उसकी लड़की। हाँ जी, उसका लड़का प्रदीप है, हम अंदर जाके भी देख के आए, तब भी उन्होंने छत के पार ऊपर पुलिस लाई है निकाल कर, पुलिस लाई है निकाल कर अपनी। पुलिस ने कस्टडी में तो ले लिया होगा? कस्टडी में एक को लिया अभी तो, कुल मिलाकर पुलिस ने एकदम से अपनी कार्रवाई तो करी है। एक को पकड़ा जी, बाकी फरार है जी, अभी तो फरार है, एक ही पकड़ा जी लड़का वो अंदर से, बाकी फरार है लड़के, वो मारने की धमकी दे के गया बच्चों ने। हाँ जी, सभी बच्चों। चलो भाई ये दुखद तस्वीर है, इस तरह एक बात बहुत बड़ा सबक भी है, अभी जब 16-16, 17-17, 18-20 साल के जो बालक हैं वो हथियारों से लैस होकर लड़ाई लड़े हैं,
तो बिल्कुल मतलब हालात काफी खराब हो गए। मेरा बेटा मनबुद्धि है जी, उसके भी इट मार रखी है उन बच्चों ने। मेरा तो बेटा मनबुद्धि है, उसको तो कुछ पता भी नहीं बचा। मनबुद्धि है जी, उसके भी चोट मार रखी है जी पैर पे जी। हाँ जी, चलो भाई दुखद तस्वीरें इन पर छोड़ना। प्रशासन तो अपील करा कि मामला का दूध और पानी का पानी करा जाए। जो भी इस मामले में जो भी दोषी हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जानी चाहिए। कर दो शेयर। मैं उत्तरादेशी पत्रकार धर्मू।